हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टी12 के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 का पार्ट बी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे। ठीक, हम लोग क्या देख रहे थे? तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन देख रहे थे लेक्चर 10 में। हम लोग जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन देख रहे थे उसमें हमने क्या क्या देखा था? तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन यानी कि ड्रेसिंग किस तरीके से किया जाता है, मतलब कि जो भी हम क्वेर करके जो भी पत्थर लाते हैं उसको, वो जो रफ रहता है, उसका वेट जो बहुत ज़्यादा रहता है, उसको हम हटाते हैं, तो उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। यानी पत्थर को सजाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? तो उसको जनरली हम लोग साइड पे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, उससे हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है। उसके बाद हमने वहाँ उसके बाद हमने क्या देखा था? तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का पर्पस क्या क्या हो सकता है, जैसे साइज को, मतलब जो भी हमारा साइज है उसको रिड्यूस करना, बल्कि बल्कि स्टोन होता है बड़ा स्टोन है उसको अपने रिक्वायर्ड साइज में लाना, फिर जो भी अलग अलग जगह पर हम बिल्डिंग में उपयोग करते हैं उसका शेप को देना, फिर अलग अलग दो से तीन हमने इसमें भी देखा था। उसके बाद टूल्स देखा था हमने, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कौन कौन से टूल्स होता है, किन किन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये भी हमने देख लिया था। आज हम लोग पार्ट भी स्टार्ट करेंगे अपना। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हमारे, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसको देखना चाहते हैं, अगर जो नए व्यूअर आप हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल करके, उस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये जनरली सिविल के लिए, थर्ड सेम के लिए होता है। ठीक, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। नए व्यूअर है तो और जाकर लाइक करें वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या, तो डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में कौन कौन से स्टेज इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग प्रकार के। पहले तो साइजिंग, साइजिंग से आपको समझ में आ रहा होगा आकार। फिर शेपिंग, शेपिंग से आपको सब मतलब किस प्रकार वो रहना चाहिए वो होगा। प्लानिंग, क्या क्या कर उसमें और ज़्यादा इंप्रूव किया, तो फिनिशिंग एकदम फाइनल टच देना उसको। पॉलिशिंग यानी कि उसको रगड़ के चिकना बनाना है। ठीक, साइजिंग यानी कि देखिए कोई भी पत्थर था उसको हम तोड़ के रिक्वायर्ड साइज में ले लिया, लेके आगे कि हमको इतना बड़ा, सॉरी ये तो टेढ़ा जा रहा है, रिक्वायर्ड साइज में लेके आगे कि हमको इतना चाहिए। ठीक, एक पत्थर का ब्लॉक बहुत बड़ा था उतना लेके आ गया। इसमें भी देखिए अब कहीं कहीं तो ये उबड़ खाबड़ होगा, मतलब कि रफ सरफेस होगा, तो उसी को प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, तो शेपिंग कहलाता है। फिर उसको अच्छी तरह से क्लियर कर देना वो प्लानिंग कहलाता है, कि उसमें और क्या क्या चीज़ हो सकता है वो चीज़। फिर प्लानिंग के बाद एकदम माइनर माइनर, मतलब बहुत छोटा छोटा काम बचता है ना, तो वो फिनिशिंग हो जाता है हमारा, छोटा छोटा काम बचेगा। फिर इसको पर पॉलिशिंग यानी कि रगड़ के इसको चिकना बनाएगा तो उसको पॉलिशिंग कहेंगे। ठीक, देखिए साइजिंग पहला टॉपिक क्या है, साइजिंग। साइजिंग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साइजिंग द इरेगुलर क्वेरीड ब्लॉक, इरेगुलर यानी कि जो अलग अलग प्रकार के, मतलब कि उसमें जो साइज, मतलब साइज और से कुछ फिक्स नहीं रहता है, कुछ भी निहित नहीं रहता है। क्वेरीड क्वेरीड मतलब खड़े करके आते हैं जो रोक इस कट इंटू डिजायर, डिजायर यानी कि जितना हमको जरूरत है, डिजायर यानी कि जरूरत, डिजायर डिजायर डायमेंशन यानी कि जरूरत जितना डायमेंशन यानी कि वही सेंटीमीटर कितना, मतलब कितना जरूरत हमको उसके हिसाब से, बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा पोर्शन, और उसके बाद जो भी बचता है हमारा जो एक्स्ट्रा पोर्शन उसको रिमूव करते हैं, इस कॉल्ड साइजिंग ऑफ स्टोन। उसको क्या कहा जाता है, तो साइजिंग ऑफ स्टोन कहा जाता है। ठीक, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड हैमर, ये जनरली किससे, तो हैंड हैमर से, मतलब जो भी हम लोग नॉर्मल हथौड़ा प्रयोग करते हैं उसके द्वारा, चीजर यानी कि छीनी के द्वारा उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि एक छीनी लेके हथौड़ा से कट कर रहा होगा, देखिए फिगर भी आपको चल रहा होगा, एक आदमी छीनी लेके पत्थर को ठोक के वो ठोक रहा होगा पत्थर के ऊपर, मतलब छीनी के ऊपर ठोक रहा हुआ हैमर से पत्थर के ऊपर, देखिए वही है, वही हमारा क्या कर रहा है, तो वो साइजिंग कर रहा है। ठीक, तो वहाँ पे देखिए वो साइजिंग हो चुका पत्थर, वो शेपिंग कर रहा है। शेपिंग वंस कट टर्न्स कट टू डिजायर डायमेंशन, मतलब कि जब हम पत्थर को डिजायर अपने जितना भी जरूरत होता है उसके अनुसार काट लेते हैं, तब एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन जो उसके बाद भी बच जाता है आर रिमूव, तब उसको रिमूव किया जाता है टू प्रोवाइडिंग रिक्वायर शेप, शेप मतलब जितना हमको जैसा जरूरत है वैसा, इसको शेपिंग, उसको शेपिंग कहा जाता है। यानी कि देखिए ये पत्थर है, हमें इसको इतना बड़ा पत्थर से इस ढक्कन को, मतलब मान के चलिए छोटा सा जितना हमको जरूरत है उतना निकाल लिए। ठीक, तो ढक्कन में देखिए जो ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको हटा देंगे तो वो शेपिंग में आ जाएगा, मतलब शेप इसको प्रदान कर लें। ढक्कन को इस इतना से पूरे से हटाना साइजिंग, और फिर साइजिंग, और फिर ये साइज से, सॉरी हिल गया होगा कैमरा, इस साइज से हटाना इसको कहलाएगा शेपिंग। ठीक, वही है शेपिंग, और फिर जो क्या शेपिंग कहते हैं उसको, फिर मेनी स्टोन्स, मतलब जितने बहुत सारे स्टोन जो होता है, कॉमन कंस्ट्रक्शन आफ्टर शेपिंग, मतलब एक ही कंस्ट्रक्शन में यूज किए जा सकते हैं, मेनी स्टोन्स आर यूज्ड इन कॉमन कंस्ट्रक्शन आफ्टर शेपिंग। शेपिंग के बाद बहुत सारे पत्थरों को एक ही कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग बनाने में ही यूज कर सकते हैं, या किसी फैक्ट्री में कहीं पर वल लगाना वहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहीं पर हीट ट्रांसमिट करवाना हमको तो वहाँ यूज कर सकते हैं, एक ही प्रक्रिया के हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कितने स्टेज है, पाँच स्टेज है, कौन कौन से हमारे ड्रेसिंग और स्टोन स्टोन के पांच स्टेज कौन कौन से, तो साइजिंग है, शेपिंग है, प्लानिंग है, फिनिशिंग है, पॉलिशिंग है। ठीक, ये पांच स्टेज है, पांच स्टेज में दो स्टेज हमने कौन कौन से देखे, तो साइजिंग हमने देख लिया, शेपिंग हमने देख लिया। साइजिंग में क्या होता है, तो जो भी हम पत्थर क्वेरी करके ला रहे हैं, जो भी बड़ा बड़ा पत्थर हम क्वेरी करके ला रहे हैं उनको जितना रिक्वायर्ड हमको साइज चाहिए उतना में ही वो उतना हम नाप लेते हैं, उसके बाद उसको वहाँ से काट के हटा देते हैं, बस बाकी पोर्शन को हटा देते हैं, उसको साइजिंग कहा जाता है। ये हटाने की प्रक्रिया कैसे हो सकता है, तो हैमर के द्वारा हो सकता है, और चिजल के द्वारा हो सकता है, हैंड टूल के द्वारा, और फिर
फिर हमारा क्या है तो शेपिंग है, शेपिंग ऑफ शेपिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो शेपिंग में हम लोग जनरली जो भी हम साइज कट किए उसके बाद भी जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है, कौन सा डायमेंशन, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन जो भी हमारा बच रहा है उसको हटाने का काम करते हैं, तो वो हमारा शेप कहलाता है। देखिए एक फिक्स साइज तो इतना हो गया, साइज के ऊपर का देखिए ऊपर खावा जाता है, इसको प्लेन कर रहे हैं, इसको ऐसे बराबर कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा कितना, तो वो हमारा हो गया शेपिंग। तो वो एक ही पत्थर, लेकिन शेपिंग करने का जो एक ही पत्थर होता है वो अलग अलग में भी यूज हो सकता है, लेकिन एक ही में भी यूज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से हो सकता है। हम इसके बाद क्या लेके आते हैं, इसके बाद प्लानिंग लेके आते हैं। और हाँ, इससे पहले जितने भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, और व्यूअर ज्यादा बढ़ाइए, थैंक यू। तब तक इसको उतारिएगा। प्लानिंग, प्लानिंग और फिनिशिंग लेकर आते हैं, उसका पॉलिशिंग लेके आएंगे, उसका ये टॉपिक मतलब डिफरेंट स्टेज खत्म होगा, उसके बाद डिफरेंट मेथड देखेंगे, मतलब किस किस प्रकार से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। ये तो स्टेज हुआ कि हम लोग पहले साइजिंग करते हैं, फिर शेपिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं, फिर पॉलिशिंग करते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखेंगे कि पंचिंग मेथड क्या होता है, हैमरिंग मेथड क्या क्या होता है, वो जान लेंगे। टूल्स के बारे में हमने आपको पहले बता दिया, उन टूल्स का भी दोबारा यहाँ पे रिकॉल करवा रहे हैं आपको, जैसे कि हैंड हैमर हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए। ठीक, तब तक आप इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। आगे यानी कि हम लोग जो हमारे बचे हुए तीन स्टेज थे उनको देख लेते हैं, क्योंकि तो ड्रेसिंग के जो बचे हुए स्टेज थे उनको देख रहे थे हम लोग। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग में हमने जनरली क्या देखा, तो ड्रेसिंग के स्टेज में हमने पांच प्रकार के स्टेज जाने थे, कौन कौन से, तो पहला हमने साइजिंग जाना था, फिर शेपिंग जाना था, फिर प्लानिंग जाना था, फिर फिनिशिंग, और उसके बाद पॉलिशिंग जाना, पॉलिशिंग हमने जाना था, मतलब इन पाँचों स्टेज से हमारा जो ड्रेसिंग जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। इन पाँचों स्टेज में हम दो प्रोसेस, हम दो स्टेज देख चुके थे, कौन कौन था, तो पहला साइजिंग, दूसरा शेपिंग। सेजिंग में हमने क्या देखा था, तो जो भी पत्थर हम क्वायर करके ला रहे थे उनको हमको जितना रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से उसका हम उसके बाद जो भी पोर्शन बचा था उसको रिमूव करके हटा देते थे सिंपली हैमर और चिजल के द्वारा, तो उसको साइजिंग कह रहे थे। साइजिंग जितना रिक्वायर्ड था हमको पत्थर उतना में काट के साइजिंग के बाद, तो उसमें जो भी और एक्स्ट्रा पोर्शन जहाँ था मतलब प्रोजेक्शन बचा हुआ था थोड़ा थोड़ा उसको काट के हटा रहे थे, तो उसको सेटिंग कह रहे थे। अब हम देखते हैं क्या, तो हम अब क्या देख रहे हैं, हमारा प्लेनिंग देख रहे हैं, यानी कि जो भी पत्थर होता है उसको एक समतल में लाना है, प्लेनिंग कहलाता है। ठीक, प्लेनिंग के बाद फिनिशिंग, प्लेन लाने के बाद भी कुछ कुछ रफ बच जाता है उसको एकदम क्लियर करके हटा देना, उसको फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद पॉलिशिंग, यानी कि उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है जो पत्थरों पर, वो देख लेंगे। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, अभी मतलब तीसरा टॉपिक अभी क्या, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल इरेगुलरिटीज, मतलब जो भी बचे हुए इरेगुलरिटीज हैं उनको हटा दिया जाता है फ्रॉम द स्टोन सर्फेस, इज कॉल्ड प्लेनिंग। प्लेनिंग यानी कि समतल करना, समतल करना, प्लेनिंग यानी कि समतल करना, एक जैसा समान मतलब पूरा, देखिए एक प्रकार का समतल है कि नहीं, इसमें एक समान दिख रहा है आपको, नहीं, वही समतल करना। प्लेनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल इरेगुलरिटीज फ्रॉम द स्टोन सर्फेस इज कॉल्ड प्लेनिंग, मतलब स्टोन सर्फेस से जितने भी इरेगुलरिटीज है उनको हटा देना ही प्लेनिंग कहलाता है। फिनिशिंग, इट इज डन बाय रूबिंग द स्टोन सर्फेस, रबिंग द स्टोन सर्फेस, यानी कि देखिए एक पत्थर को लेना है, दूसरे पत्थर को लेना है, ऐसे रगड़ना है, वो रबिंग हो जाता है, यानी कि जो एक पत्थर ऐसे रखा हुआ है, मान के चलिए ये कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक, हम सैंड पेपर के जानते हैं उसको लेके ऐसे रगड़ते हैं हम, ताकि जो भी इसका है एकदम फाइनल टच मिल जाए, जो भी इसमें छोटे छोटे ऊपर नीचे हुआ होगा, जो मतलब हमको प्लेन करने वक्त नहीं कटा हुआ, वो पूरा का पूरा हो जाए। रबिंग द स्टोन सर्फेस विथ एन एडवाइजर मटेरियल, एब्जर्विंग मटेरियल, मतलब कि जो उसमें एब्जॉर्व हो जाए, एब्जर्विव मटेरियल, जो उसमें एब्जॉर्व हो जाए उस वही मटेरियल, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड एक मतलब ठोस रहता है जो उसमें एब्जॉर्व तो हो जाता है, लेकिन उसको रब किया जाता है स्टोन के ऊपर, जैसे कि स्टोन है तो इसके ऊपर रब किया जाएगा, ऐसे ऐसे रगड़ा जाएगा ताकि इसका जो फिनिशिंग है वो आसान से हो जाए, फिर इधर रगड़ा जाएगा वो फिनिश में उसका फिनिशिंग अच्छा से हो जाए, इसलिए उसको रगड़ा जाता है, यही प्रोसेस वो फिनिशिंग कहलाता है, जब सिलिकॉन कार्बाइड से पत्थर को रबिंग किया जाता है, रबिंग यानी कि रगड़ना, रबिंग द स्टोन सर्फेस विथ एन एब्रेसिव मटेरियल से जब उसको, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है उस मटेरियल से हम जो पत्थर को रब करके पूरा रब करके मतलब प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं उसी को फिनिशिंग कहते हैं हम लोग। पॉलिशिंग क्या, तो इन दिस स्टेज द स्टोन इज पॉलिश्ड यानी कि उस पर एक परत चढ़ाया जाता है बाय हैंड और मशीन। आपने देखा होगा जब लकड़ी में, आपने कहीं देखा है लकड़ी की दुकान पे, वहां पे आप सैंड पेपर लेके उसका जब सब कुछ रगड़ वगड़ के जब बच जाता है तो उसके ऊपर एक तेल सा लगा के उसको ऐसा रगड़ा जाता है ताकि उसमें साइन आ जाए, चमक आ जाए, तो वही है वो, तो हाथ से या मशीन से किसी प्रकार हो सकता है टू मेकिंग मोर अट्रैक्टिव। देखिए पॉलिश उस प्रकार भी होता है, आपने देखा होगा घर में मार्बल सा लगता है, एक बड़ा सा मशीन आता है नीचे ऐसा गोल सा लगा रहता है, उसको चलाते जाता है वो ऐसे घूमते रहता है, उसमें जितना भी गंदगी रहता है ऊपर वो हटा देता है, तो वही पॉलिशिंग करना कहलाता है, या उसी को हम फिनिशिंग भी कह सकते हैं, जैसे कि देखिए इसमें कैल्शियम रगड़ के उसमें रबिंग कर रहे थे ना, तो वही इट इज जनरली डन
स्टोन लाइक लाइम स्टोन में इसको किया जाता है। मार्बल हमारे क्या था, तो लाइम स्टोन ही था हमारे प्रकार का, मार्बल मार्बल हो सकता है। ग्रेनाइट पत्थरों में भी इसको उपयोग किया जाता है। द इफेक्टिव ड्रेसिंग, मतलब जो भी इफेक्टिव ड्रेसिंग किया जाता है ऑफ स्टोन वुड हेल्प टू मेकिंग, क्या कहना, मतलब जो हमारा ड्रेसिंग इफेक्टिव रहेगा तो वो हेल्प करता है, वुड हेल्प इन मेकिंग योर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एंड इकोनॉमिकल बनाने के लिए वो हमारे हेल्प करता है। कौन, तो इफेक्टिव ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या था, तो ड्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम पत्थरों को अपने साइज और शेप में ला रहे थे, वही ड्रेसिंग कहलाता था। ड्रेसिंग में हमने जनरली पांच स्टेज देखा इस लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में हमने जो देखा था वो मतलब पीछे जाके आप सब देख सकते हैं लेक्चर लेक्चर टेन का पार्टी में। अभी तक हमने इसमें पांच स्टेज देखा था, कौन कौन सा, तो साइजिंग, शेपिंग, प्लानिंग और फिनिशिंग और पॉलिशिंग। साइजिंग में हम जनरली पत्थर को ला रहे थे, उसको रिक्वायर्ड साइज में काट रहे थे, रिक्वायर्ड साइज में काटने के बाद उसको डिजायर फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको शेपिंग शेपिंग कह रहे थे। शेपिंग में लाने के बाद जो भी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल बच गए उसको प्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको प्लेनिंग कर रहे हैं। प्लेन करने के बाद सिलिकॉन कार्बाइड से रगड़ के हम उसको पूरा तरीके से फिनिश करना चाह रहे थे, उसको फिनिशिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करके उसके ऊपर पॉलिशिंग कर रहे ताकि वो अट्रैक्टिव दिखने लगे। यही पाँच प्रोसेस होता है जिसके बाद हम पूरी तरह से ड्रेसिंग खत्म कर देते हैं। उसका देखिए मेथड ऑफ ड्रेसिंग, मतलब एक ही प्रकार से थोड़ी होता होगा ड्रेसिंग, अलग अलग प्रकार के मेथड होंगे। जिसमें कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं पर पत्थर पे ऐसे लंबे लंबे धारी बने हुए रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे धारी बने होते हैं, कहीं पे स्क्वायर बने हुए रहता है, कहीं पे हैमर से छूट के रहता है, कहीं पे मशीन से काटा जाता है। तो वही उन सब प्रोसेस का मतलब हम लेके आते हैं, वो प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद वीडियो यहीं पर खत्म होगा, हमारा ड्रेसिंग में यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम आगे देख लेंगे, हम ब्रिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम तुरंत ब्रिक स्टार्ट करेंगे, और बीच में जो भी बचे टॉपिक उनको जल्दी जल्दी ब्रिक के साथ ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम लेके आते हैं मेथड ऑफ ड्रेसिंग या टाइप्स ऑफ ड्रेस। देखिए जो भी हमने हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं ड्रेसिंग में, उनका एक ट्रिक लेके आए हैं हम, बस ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा। इसके बाद उसके बाद हम मेथड ऑफ ड्रेसिंग देखेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग का देख लेंगे डिफरेंट टाइप। ये ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक कहता है कोई भी लड़की खुद को ड्रेसअप करने के लिए, ड्रेसअप से हमारा ड्रेस क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, इससे हमारा क्या बन जाएगा, तो ड्रेसिंग बन जाएगा इससे हमारा। ठीक, ड्रेसिंग करने के लिए SSPF का प्रयोग करती है, एस से हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइजिंग, SS से आ जाएगा शेपिंग, पी से आ जाएगा हमारा प्लेनिंग, एफ से हमारा आ जाएगा फिनिशिंग, और पी से आ जाएगा हमारा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग देखिए सब चीज आपका आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ING प्लेनिंग, अब देखिए सब चीज इसी में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे हमारा साइजिंग हो गया, ऐसे हमारा शेपिंग हो गया, ऐसे हमारा प्लेनिंग हो गया, और फिर पी से हमारा प्लेनिंग हो गया, ऐसे हमारा फिनिशिंग हो गया, पी से फिर से हमारा पॉलिशिंग हो गया। तो क्या है इसका ट्रिक, कोई भी लड़की खुद को ड्रेसअप करने के लिए SSPF का प्रयोग करती है, यही हमारा ट्रिक है। ये चीज़ याद रखिएगा, देखिए अब ट्रिक से याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी याद होगा। ये ट्रिक हम मैंने खुद ने बनाया था, मुझे इससे बहुत अच्छे से याद हो गया था, इसलिए हम आपके पास लेके आ रहे हैं। क्या SSPF का उपयोग करती है कोई भी लड़की अपने आप को ड्रेस अप यानी सजाने के लिए। उन सबका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है वाकई में। देखिए हम अपनी कहानी बताते हैं, जैसे कि मेरी एक बहन, ठीक, वो तैयार हो रही थी, ठीक, तो हम उनसे पूछे कि दीदी हम क्या पहने, मतलब मेरे से बड़े हैं, हम पूछे उन्होंने वाला कुछ भी पहन ले। उसके बाद पहन के गए, क्या पहन के आ गया है रे बकलोवा, जो दोबारा पहन के अच्छा से, तो दोबारा पहन के गया तो बोल ये भी अच्छा नहीं लग रहा दोबारा जो, और उतना देर में वो सोचे खुद, उतना देर में वो खुद मात्र एक चीज़ की थी, क्या, तो अपना श्रृंगार, ड्रेस पहन के अपना श्रृंगार की। उतना देर में हमको कम से कम लग गया था 30 मिनट, मतलब बार बार वो भेज रही थी, 30 बार में हम लोग हम 5 से 6 ड्रेस चेंज कर चुके, उतना देर में सोचिए खाली बस बैठ के अपने आप को तैयार कर रही थी वो। वही तो उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा था, बाद में पहन के गया तो मस्त लग भी रहा था, फिर उन्होंने खुद ने शर्ट और जींस दिया, मतलब चूज करके ये पहन अच्छा लगेगा, तो वही अच्छा भी लग रहा था। तो वही कह रहे थे उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था लड़कियों का, इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दिमाग भले ना हो लेकिन ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, खान सर की जवानी दिमाग नहीं होता इन बकलों के, इनके पास। ठीक, तो आपकी ट्रिक बता लीजिए, उसके बाद मेथड लेके आते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि हम डिफरेंट स्टेज के बाद हमने क्या बताया, तो डिफरेंट मेथड या डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रेसिंग होते हैं उनको देखना है हम लोगों को। तो देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग हमने यहाँ पे लिया, तो द टाइप्स ऑफ स्टोन ड्रेसिंग में भी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह के अनुसार जो भी मतलब ड्रेसिंग का टाइप होता है वो चेंज होते रहता है स्टोन का। ठीक, नाउ डे आजकल के समय में मैकेनिकल टूल्स आर यूज्ड फॉर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के लिए मैकेनिकल टूल्स यूज होने लगे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन एज मोर टाइम इज सेव, जिसके कारण हमारे बहुत ज्यादा समय बच जाता है। स्टोन ड्रेसिंग यूज इन कंस्ट्रक्शन फील्ड आर फ्लोर, इन मतलब निम्नलिखित प्रकार के ड्रेसिंग का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। ठीक,
जैसे हैमर ड्रेसिंग हो गया, मतलब हथौड़े से हम पीट पीट के उसका ड्रेसिंग कर रहे हैं, चिजल ड्रेसिंग छेने की मदद से उसका ड्रेसिंग कर रहे हैं, फाइन टूलिंग कर रहे हैं हम, या रफ ड्रेसिंग कर रहे हैं, रफ टूलिंग कर रहे हैं मतलब मार्कर हल्का सा उसमें दरार मतलब खुरदरापन उत्पन्न कर रहे हैं, पंच ड्रेसिंग कर रहे हैं वही हो जाता है हमारा। क्लोज पिकेट ड्रेसिंग भी मतलब सेम लगभग सब सेम ही होता है, लेकिन अंतर बस थोड़ा सा उसका ड्रेसिंग में करने के सेंस में अंतर हो जाता है। जैसे कि पिच ड्रेसिंग में वही हो जाता है, बस ड्रॉप फिनिशिंग लाइन करके हमको खत्म करना था। रबड़ वही आपको मैंने जो इसके बाद पहले रबड़ फिनिशिंग में जो रबड़ बताया था वही हो गया, पॉलिश सरफेस भी उसी प्रकार पॉलिश करके हम लोग इसको हटा देते हैं। तो यही देखिए हमारा ड्रेसिंग था, मतलब टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग था। टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग में हम लोग को 10 प्रकार मिला, इन 10 के बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं ठीक। जैसे कि हम स्टेजेस के बारे में जाने थे उनके बारे में, इसमें क्या तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह के अनुसार हमारा ड्रेसिंग चेंज हो सकता है। इसमें आजकल हम लोग मैकेनिकल मतलब टूल्स का उपयोग करने लगे, जिस कारण हम लोगों का टाइम बचने लगा है। और कंस्ट्रक्शन में निम्नलिखित प्रकार के मतलब ड्रेसिंग का यूज किया जाता है, जैसे आप उतारिए उसके बाद हेमर ड्रेसिंग और हेमर ड्रेसिंग लेके आते हैं। हम अभी थोड़ी देर में हेमर ड्रेसिंग लेते हैं। देखिए जो भी ड्रेसिंग हम आपको बताएंगे उसका फिगर साथ में आपको लगाते जाएंगे, ताकि आप देख के उसको समझ सके कि हाँ कौन सा ड्रेसिंग है, या उसका आप देख के पता कर सके, उसको आसानी से देख के समझ सके ठीक, उसको एज्यूम कर सके दिमाग में किस प्रकार का ड्रेसिंग हो रहा है, यानी कि किस प्रकार से सजा रहे किसी को, राइट। ड्रेसिंग सेंस चेक कर रहे हैं हम लोग ठीक। जो आपको मैंने ट्रिक बताया था क्या था, स्टेजेस का ट्रिक हमारा, जब लड़कियाँ ड्रेसअप होने के लिए जाती है तो वो लड़कियाँ ड्रेसअप होने के लिए मतलब अपने आप को सजाने के लिए SSPFP का उपयोग करती है या प्रयोग करती है ठीक। तो उसका याद रखिएगा, मतलब कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन सब चीज़ में ठीक, ड्रेसिंग में अपने आप को सजाने में, अपने आप को सुंदर दिखाने में। तभी तो देखते हैं एक बार जुल्फा ऐसे करेगी सब फंस जाता है, निकम्मा कहेंगे लिखो इसको पढ़ो चुचा उतारिए आप इसको। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि देखिए हम बता रहे थे जो टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो भी थे हम उनको बता रहे थे ठीक। तो उनमें हमने जनरली 10 प्रकार के टाइप्स देखे थे ठीक। 10 प्रकार के टाइप में हम पहला दूसरा तीसरा लेंगे, हेमर ड्रेसिंग, चिजल ड्राफ्टिंग एंड फाइन टूलिंग आपके सामने लेके आए हैं कि ये सब क्या क्या होते हैं। उसके बाद बचे हुए 7 और इसके बाद लेके आएंगे, चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए हेमर जो ड्रेसिंग होगा उसका फिगर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आपने देख लिया होगा हेमर ड्रेसिंग का फिगर। देखिए हेमर ड्रेस्ड स्टोन डू नॉट, मतलब जो भी हेमर से ड्रेस यानी कि सजाया जाता है स्टोन को, डू नॉट कंटेन, उसमें कंटेन नहीं किया जाता है, वो शार्प शार्प यानी कि वो शार्प जो कॉर्नर होता है वो कंटेन नहीं करता, इरेगुलर उसमें कॉर्नर नहीं होते हैं, इरेगुलर कॉर्नर यानी कि एक तरीके से ऐसे रहेगा फिर इधर से कैसे यहाँ का मुड़ कैसे, ये सब कॉर्नर जो ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर ये ऐसे नहीं हो सकता है। और ये भी जो शार्प शार्प होता है वो एकदम सीधा रहेगा, वो ज़्यादा इरेगुलर नहीं रहेगा ठीक। दिस स्टोन सुटेड बेल फॉर स्टोन मेसनरी, इस प्रकार का स्टोन जो भी होता है वो सुटेड बेल मतलब अच्छी तरह से सुट करता है किसमें, तो स्टोन मेसनरी यानी कि स्टोन का जो हम दीवार बनाएंगे उस कंस्ट्रक्शन में हमको हेमर ड्रेस्ड क्या हुआ स्टोन बहुत ज्यादा अच्छा से फिट हो जाता है। हेमर ड्रेस्ड स्टोन स्टोन डू नॉट कंटेन एनी शार्प एंड इरेगुलर कॉर्नर्स, यानी कि जो भी है इस प्रकार का कॉर्नर कॉर्नर मांगे चलिए किसी पत्थर का ये कॉर्नर है ठीक, ऐसे कॉर्नर नहीं रहेगा या पूरा शार्प एकदम नोखिला कॉर्नर नहीं रहेगा, और स्टोन ड्रेस्ड रहेगा तो हल्का सा ऐसे तिरछा हुआ ऐसे घुमाया हुआ रहेगा ठीक, इधर से आएगा ऐसे घुमाया हुआ रहेगा, यानी कि यह छूने की जरूरत भी वहां पे छूने की जरूरत। इस प्रकार का जो भी सुटेड रहेगा बेल वो इस किसमें, तो स्टोन मेसनरी में इस प्रकार का पत्थर को ज्यादा अच्छा से उपयोग किया जा सकता है, मतलब ज्यादा अच्छा से उपयोग करने लायक वहां पे माना जाता है। दिस आर मोस्ट एडोप्टिव टाइप ऑफ, इस प्रकार का एडोप्टिड मतलब कि अपनाना, इस प्रकार का जो मेथड है ये मोस्ट एडोप्टिड है, एडोप्टिड मतलब अपनाना ना अपना ना, अरे ना रुकिए 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 अपना ना एडोप्टेड टाइप ऑफ स्टोन ड्रेसिंग। स्टोन ड्रेसिंग के लिए इस प्रकार का मेथड जो था बहुत ज्यादा एडोप्ट किया जाता है, मतलब कॉमन टाइप है, बहुत आसानी से इसको उपयोग कर सकते हैं हम लोग ठीक। चिजल ड्राफ्टिंग क्या होता है, तो इन दिस मेथड द स्टोन, इस प्रकार के मेथड में जो भी स्टोन रहता है इज मेड फॉर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब कि गड्ढा बनाया जाता है ठीक, ग्रुप का गड्ढा बनाया जाता है ठीक, ड्राफ्ट और ग्रुप्स ग्रुप बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ चिजल, चिजल की मदद से इसको ड्राफ्ट या ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि देखेंगे आप कि इसमें ऐसे ऐसे कुछ लाइनिंग बने हुए थे कुछ पत्थरों में ग्रुप का, फिर ऐसे प्रकार का कुछ बना हुआ रहता है, कहीं कहीं कट बना हुआ रहता है, कहीं ऐसे बना हुआ रहता है, तो वही और डिफरेंट स्टेजेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ड्रेसिंग के स्टेजेस में इनका प्रयोग किया जाता है ऑफ स्टोन के ड्रेसिंग में। इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग एक्सेसिव एक्सेसिव जो भी स्टोन रहता है, जो भी हमारे पास स्टोन है उसका एक्सेसिव सेंटर पार्ट जो रहता है, यानी मान के चलिए इतना बड़ा स्टोन है इसका जो भी एक्सेसिव सेंटर पार्ट रहेगा ना उसको निकाल दिया जाता है, आर रिमूव्ड आर ऑल्सो रिमूव्ड, दिस स्टोन्स आर यूज्ड कॉमनली इन प्लिंथ एंड कॉर्नर्स ऑफ बिल्डिंग, प्लिंथ वही बिल्डिंग के जस्ट ऊपर 45 सेंटीमीटर के बाद
45 सेंटीमीटर तक होता है उसमें, हम इसका यूज करते हैं। देखिए इस प्रकार का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखिए बीच में गड्ढा रहेगा तो कम से कम मॉइस्चर हमारे प्लिंथ तक पहुंचेगा, यानी कि हमारे जो ऊपर का स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर वहां तक कम से कम मॉइस्चर पहुंचेगा, इसलिए करते हैं। और कॉर्नर में क्यों करते हैं, कॉर्नर में इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए जहां जब भी होता है कुछ भी अटैक होने के चांसेस ज्यादातर कॉर्नर में ही होते हैं फंगस वंगस का, इसलिए वहां पर उपयोग करते हैं ताकि इस प्रकार का जो पत्थर होता है वो ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब हमको देता है। इसलिए चिजल ड्राफ्टिंग क्या वो पत्थर को हम लोग जनरली कॉर्नर में और प्लिंथ लेवल में यूज करते हैं। फाइन टूलिंग दिस इज एन एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा टाइप ऑफ स्टोन ड्रेसिंग, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके का स्टोन ड्रेसिंग है विच ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्शन मतलब जिससे छाया बन सके। जैसे कि देखिए ये मार्कर हम पकड़े हुए हैं तो मार्कर का छाया बन रहा है कि नहीं, तो ये प्रोजेक्शन हुआ है, प्रोजेक्शन जिससे छाया बन सके। एवरी प्रोजेक्शन इज रिमूव, पत्थर से मतलब छोटा सा छोटा बारीक पत्थर भी मतलब उठा हुआ भाग भी रिमूव कर देता है, प्रोजेक्शन यानी कि उठा हुआ भाग भी कह सकते हैं उसको, फ्रॉम द ऑल साइड मतलब सभी साइड से रिमूव करना होता है स्टोन। एंड फेयरली मतलब अच्छे तरीके से स्मूथ सरफेस इस गेंद मतलब पाना होता है, गेंद मतलब पाना, फेयरली स्मूथ सरफेस गेंद मतलब हम लोग बहुत अच्छा से फेयरली स्मूथ सरफेस को गेंद कर लेते हैं। कैसे, तो देखिए मान के चलिए पत्थर है, ठीक, इसमें हल्का हल्का छोटा 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 टेरोपट्टी मतलब कि लगभग लगभग छूट गया, फिर उसको साफ करेंगे ना जब हम, तो उसी को हम फाइन टूलिंग कहते हैं, मतलब छोटा छोटा पत्थर का छोटा छोटा भाग जो उठा हुआ उसको साफ कर जाता है। ठीक, तो उसमें देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा साफ होगा उतना ज्यादा स्मूथ सर्फेस हमको प्राप्त होगा, स्मूथ सर्फेस हमको उतना ज्यादा प्राप्त होगा, तो ज्यादा प्रोजेक्शन हटा हुआ रहेगा। ड्यू टू दिस अपेयरेंस, उसके कारण जो अपेयरेंस पत्थर का लुक होता है जो वो स्टोन इज इम्प्रूव, पत्थर का होता है वो इंप्रूव कर जाता है लुक अपीयरेंस मतलब जो भी बोलिए वो इंप्रूव कर जाता है। हैमर पुलिंग, हैमर ड्रेसिंग क्या, तो हैमर ड्रेसिंग ये हमारे तीन प्रकार से, तो अब देखते हैं हैमर ड्रेसिंग फिर से। हैमर ड्रेसिंग क्या, तो हैमर ड्रेसिंग स्टोन का मतलब हैमर ड्रेसिंग स्टोन में जो भी रहता है कॉर्नर और शार्प कॉर्नर और इरेगुलर कॉर्नर कंटेन नहीं किया जाता है। इस प्रकार का स्टोन जनरली सूटेड किसके होता है, तो स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। दिस आर मोस्ट एडॉप्टेड फॉर द स्टोन ड्रेसिंग, स्टोन ड्रेसिंग इस प्रकार का स्टोन ड्रेसिंग बहुत ज्यादा एडॉप्टेड किया जाता है। मतलब सामान्य देखिए हैमर और चिजल किसके पास नहीं होगा, वो सिंपल ही आएगा, उसको तोड़ेगा और उसको छेनी की मदद से तोड़ेगा, उसको ड्रेस कर लेगा स्टोन को सिंपल। हैमर तो सबके पास होता ही है। चिजल ड्राफ्टिंग क्या, तो इन दिस मेथड द स्टोन इज मेड ऑफ ड्राफ्ट फॉर द ग्रुप और ड्राफ्ट में इस मेथड में बनाया जाता है, मतलब ड्रेस किया जाता है किसको, तो स्टोन को डिफरेंट प्रकार के चिजल डिफरेंट स्टेज ऑफ चिजल ड्रेसिंग स्टोन में। इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग एक्सेसिव स्टोन एट द सेंटर आर ऑल्सो रिमूव, जो भी सेंटर पे एक्सेसिव रहता है स्टोन उसको रिमूव किया जाता है। दिस स्टोन आर यूज टू कॉमनली इन प्लिंथ एंड कॉर्नर्स ऑफ बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है इसको। फाइन टूलिंग क्या, तो दिस इज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ स्टोन ड्रेसिंग इन विच ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्शन मतलब सभी प्रकार के प्रोजेक्शन को लगभग जिनसे छाया बन सके पत्थर के ऊपर छोटा चीज को रिमूव कर जाता है पत्थर के चारों तरफ से। ठीक, एंड फेयरली स्मूथ अच्छा से स्मूथ कर दिया जाता है प्लेनिंग जो आप हम बताए थे स्टेज उसी का एक पार्ट है फाइन टूलिंग, प्लेनिंग स्टेज का ही स्मूथ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ड्यू टू दिस इसके कारण जो भी उसका अपेयरेंस होता है पत्थर का वो इंप्रूव हो जाता है। ये हमारा तीन हमने यहाँ पे क्या क्या, तो हैमर ड्रेसिंग, चिजल ड्राफ्टिंग एंड फाइन टूलिंग हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक, तो उसके बाद हम लेके आते हैं जो हमारा नेक्स्ट 4, 5, 6 से लेकर 10th तक जो भी है उनको लेके आते हैं, आप सब तक इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए हैमर ड्रेसिंग का आपका फिगर हमने शुरुआत में दिखाया था, चिजल ड्राफ्टिंग का देखिए आपका फिगर जब हम पढ़ा थे वहाँ पे भी एक बार लगा दिए थे और अभी भी लग रहा होगा। उसी प्रकार फाइन टूलिंग का भी फिगर अभी आपके स्क्रीन पे होगा, आप इन तीनों का फिगर देखिए, इन तीनों को समझिए, उसके बाद उतारिए पॉज करके वीडियो, हम आते हैं अभी इसको। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे जिसके मैंने अभी हम तीन टॉपिक देखे थे, इसके जो 10 हमने लिखवाए थे मेथड ड्रेसिंग के टाइप लिखवाया था हमने, उसमें 3 टाइप देख लिया था, कौन कौन सा, तो चिजल ड्राफ्टिंग हैमर ड्रेसिंग और फाइन टूलिंग हमने देखा था। ठीक, उसके बाद अब हम देख रहे हैं क्या, तो हमारा चौथा रफ टूलिंग और पंच ड्रेसिंग, चौथा और पांचवा देखेंगे हम लोग, इसके बाद बचे हुए पांचवा और देख लेंगे, उसका लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए पांचवा स्टार्ट करते हैं अपना, चौथा हमारे पास क्या है, चौथा टॉपिक हमारे पास है रफ टूलिंग। देखिए इन दिस मेथड द इज आर फर्स्ट स्क्वायर बाय यूजिंग ए चिजल एंड हैमर। देखिए रफ टूलिंग का फिगर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, उसमें आप देख रहे होंगे कि पत्थर है, पत्थर को ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में काटा हुआ है, पत्थर को ऐसे स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। ठीक, तो वही कह रहा है इन दिस मेथड द इज मतलब किनारे को पहले फर्स्ट यानी कि पहले स्क्वायर बाय यूजिंग इस सीजर एंड हैमर, स्क्वायर मतलब खुरेचा जाता है इसे या वो निशान दिया जाता है, स्क्वायर मतलब निशान दिया जाता है यूज करके, चिजल और हैमर का यूज करके इस पर निशान दिया जाता है। उसके बाद देन ए सीरीज ऑफ बेंड या ग्रुप, सीरीज ऑफ बेंड या ग्रुप देख रहे होंगे आप, ऐसे हल्का हल्का उखेड़ा हुआ है यानी कि रफ रफ किया हुआ है,
में आपने देखा होगा, ग्रुप्स आर वेरिएबल विड्थ, उसका चौड़ाई कितना होता है 4 से 5 सेंटीमीटर मोर और लेस, उससे ज्यादा हो सकता है, पैरेलल टू द टूल्स मार्क, मतलब जो भी टूल्स का मार्क किया गया उसके पैरेलल है, या तो ऐसे क्या हुआ है, आर डेवलप्ड ओवर द सरफेस ऑफ स्टोन, स्टोन के सरफेस यानी इसके ऊपर ऐसे डेवलप किया गया है, ठीक, उसी को मतलब फाइन रफ टूलिंग कहते हैं, यानी कि जो भी सतह है उसको रफ बनाया जाता है, उसमें मतलब जो भी होता है हमारे हैमर हैमर और चिजर का प्रयोग करके स्क्वायर पहले तो मार्क करते हैं, उसका जो भी मार्क करते हैं उसके पैरेलल में ज्यादा या कम संख्याओं में हम मतलब ये जो मार्क किए हैं ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे भी मार्क के उसके उसके पैरेलल में मतलब इसके पैरेलल में ही ज्यादा या कम संख्या में हम टूल्स का उपयोग करते हुए उसके ऊपर स्क्रैचेस डेवलप करते हैं उसके स्टोन के सरफेस के ऊपर, यही हमारा क्या कहलाता है, रफ टूलिंग। उसके बाद क्या है तो पंच ड्रेसिंग में क्या है, इन दिस मेथड ऑफ स्टोन स्टोन ड्रेसिंग, इस प्रकार के स्टोन ड्रेसिंग मेथड में अबाउट 1 सेंटीमीटर, याद कितना 1 सेंटीमीटर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि यही पत्थर में मान के चलिए क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऐसे खड़ा रहेगा तो 1 सेंटीमीटर ऐसे आगे की ओर भी रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर गहरा यानी 1 सेंटीमीटर गहरा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, वर्टिकल यानी कि गहरा मान लिया और हॉरिजॉन्टल यानी कि चौड़ा। ग्रुप्स यानी कि गड्ढा आर संक, संक यानी कि मतलब डाला जाता है, विथ विथ ए चीजल हैविंग इट्स शेप्ड एज ए होलो सेमी सर्कुलर, होलो सेमी सर्कुलर सर्कुलर बनाया जाता है, ठीक, जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 1 सेंटीमीटर ग्रुप्स बनाया जाता है संक करके डाला जाता है, उसका शेप कैसे रहता है तो होलो सेमी सर्कुलर के टाइप का रहता है। द साइड ऑफ द रॉक मतलब रॉक का जितना भी साइड रहता है आर केप्ट द चैम्फर्ड और संक, चैम्फर्ड का हिंदी चैम्फर्डिंग होता है, ठीक, चैम्फर्ड का हिंदी चैम्फर्डिंग होता है, संक मतलब डालना होता है। इट्स इट इज डन ऑन द स्टोर, ये स्टोन के ऊपर मतलब किया जाता है डन मतलब पूरा किया जाता है, डेट हैव ऑलरेडी बीन, देखिए ये क्या लाइन है, डेट हैव ऑलरेडी बीन रफ टूल्ड, यानी कि जो रफ टूलिंग होकर जो पत्थर निकलेगा ना उसके ऊपर ही कौन सा पंच ड्रेसिंग जो होता है ना वो किया जाता है प्रोसेस, या तो रफ टूलिंग के बाद आपको कुछ काम कराना है तो पंच टूलिंग होगा, या तो फिर रफ टूलिंग के बाद ही पत्थर को यूज कर लिया, पंच टूलिंग करवा के हम पत्थर को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ चीजल, चीजल के मदद से ए सीरीज ऑफ पैरेलल, देखिए इसमें भी आ रहा है सीरीज ऑफ पैरेलल रिजिड आर फॉर्म्ड, मतलब वही पैरेलल रिजिड फॉर्म किया जाता है इसमें, ठीक, ऑन द स्टोन सर्फेस, स्टोन सर्फेस के ऊपर एंड मार्क्स मार्क्स ऑफ चीजल आर विजिबल ऑफ द ऑफ फेस, मतलब पत्थर पत्थर का जो फेस रहेगा उसके ऊपर विजिबल होता है कि ऐसे मार्क किया गया है, चीजल का मार्क होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूरो फिनिश, मतलब कि आप एक आगे चल के आप इरीगेशन आपको पढ़ना होगा, एक पूरा बुक है उसमें एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम ऐसे ऐसे करके यहाँ एक मेन नाली खोल के ऐसे करके हम उसको खेत को पूरा मतलब सींचते हैं, तो वही क्या है फ्यूरो यानी कैसे लाइन डाल डाल के इसका डिजाइन बनाया जाता है। देखिए इसका स्क्रीन पे जो फिगर होगा ना वो भी चल रहा होगा, आप स्क्रीन पे उसके फिगर को देख सकते हैं, किसको तो पंच ड्रेसिंग के फिगर को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप दोनों फिगर देख चुके होंगे, रफ टूलिंग का फिगर जो मैंने आपको पहले दिखाया था और पंच ड्रेसिंग का फिगर जो मैंने आपको अभी दिखाया वो दोनों देख चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि कहना क्या चाह रहा है। और पंच रफ टूलिंग में होता है, रफ टूलिंग में क्या होता है, तो रफ टूलिंग में जनरली हम लोग जो इन दिस पहले इसको हम स्क्वायर करते हैं चीजल और हैमर की मदद से, फिर उसके बाद सीरीज को बेंड या ग्रुप का जो सीरीज होता है वो वेरिएबल उसका कितना, तो 4 से 5 सेंटीमीटर वेरिएबल रहता है उसको, मोर और लेस पैरेलल टूल्स मार्क जो भी हम पहले टूल मार्क किए हैं उसके पैरेलल में हम डेवलप करते हैं ओवर द स्टोन सरफेस, मतलब स्टोन के पूरे सरफेस पे, ठीक। फिर पंच ड्रेसिंग क्या, तो इन दिस मेथड ऑफ स्टोन ड्रेसिंग अबाउट 1 सेंटीमीटर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स आर संक, 1 सेंटीमीटर का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप हम संक यानी बनाते हैं या खींचते हैं विथ चीजल हैविंग, मतलब चीजल का यूज करते हुए, इट्स शेप इज होलो सेमी सर्कुलर, उसका शेप कैसा होता है तो होलो सेमी सर्कुलर के आकार का होता है। द साइड ऑफ रॉक आर केप्ट कम्फर्ट और चैम्फर्ड और संक, मतलब रॉक का सभी साइड चैम्फर्ड और संक यानी कि डरा हुआ धासा हुआ मतलब अपने ऊपर केप्ट मतलब रखते हैं, ठीक। इट इज डन ऑन द स्टोन, ये स्टोन के ऊपर वैसे स्टोन के ऊपर डन होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी रफ टूल जिसके ऊपर पहले हो चुका होता है, वन तो पंच ड्रेसिंग उसके ऊपर होता है। विद द हेल्प ऑफ चीजल ए सीरीज ऑफ पैरेलल रिजल्ट आर फॉर्म्ड, मतलब सीरीज पैरेलल रिजल्ट फॉर्म किया जाता है ऑन द स्टोन, स्टोन के ऊपर सरफेस एंड मार्क ऑफ चीजल आर विजिबल, मार्क ऑफ चीजल मतलब चीजल से जो भी हम मार्क बनाते हैं वो विजिबल होता है पत्थर के ऊपर, ताकि अच्छा से हमारा लुक जो होता है अपीयरेंस वो अच्छा दिखने लगे। और इस प्रकार के मतलब जो पंच ड्रेसिंग रहता है इसका दूसरा नाम क्या है तो फ्यूरो फिनिश के नाम से इसको जानते हैं। फिर फिनिश के नाम से इसको जानते हैं, यही हमारा चौथा पांचवा था क्या, तो रफ टूलिंग और पंच ड्रेसिंग। इसके बाद देखिए हम पांच और हैं बचे उनको लेके आते हैं, फिर उसके बाद ड्रेसिंग पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। तब तक अपने दोस्तों को जितने भी वीडियो
शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाइए, मतलब अच्छे से अच्छे दूर दूर बच्चों तक पहुँचाइए जो कि पढ़ नहीं सकते, मतलब क्लास लेके पढ़ नहीं सकते ऑनलाइन, उनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक, और फिर इसको नोट डाउन कीजिए, हम लेके आते हैं। तो जो आपका बचा हुआ पार्ट है ट्रेसिंग का, मतलब जो पांच मेथड बच गए हैं, उन पांच मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, यानी कि यूनिट टू के लेक्चर नंबर 10 के पार्ट सी में उनको देख लेंगे। वो ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट का वो भी वीडियो बनेगा, और ये ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसलिए उसको उसमें देखना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, तब तक आप हमारे हमारे चैनल पर उपलब्ध जितने भी वीडियोस हैं उनको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल आप देख के देख सकते हैं। जो साथ में ब्रिक का चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, और साथ ही में हमको दिनों में टिम्बर ये सबका पीछे पीछे जो पीछे जो टॉपिक छूट गया उनका छोटा छोटा का बना के वीडियो आप चढ़ाते हुए रहेंगे, ताकि आपका पूरा सिलेबस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक, थैंक यू कि वॉच टीच वाले इन बिहार।